प्रियंका, वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बता चुका था, तो कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ से देख सकते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में मुझे फाइंड आउट करना है यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन का उपयोग करते हुए। तो वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ये सब मैंने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बता चुका है, तो वहाँ से समझ लेना। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी कि वाई में से है जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, वाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि जेड से y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y माइनस जेड। क्या बन गया, y माइनस जेड। तो ये क्या हो गया, इसका वेरिएबल हो गया x, सॉरी z और y क्या है, वेरिएबल है, और ये सभी क्या है, माइनस क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। क्या कह रहा है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई को सम करना है और उसको वन एंड हाफ से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, एक्स और वाई को सम करना है, यानी कि ऐड करना है और हाफ से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका हो जाएगा 1/2 x + y। क्या हो जाएगा, इसका क्या कह रहा है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। तो इसको या तो यहाँ पे 1/2 x + y = 1/2 x + y। यहाँ पे ऑफ का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। क्या है, सब्ट्रैक्शन है। इसका क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड में है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ। क्या है, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ, यानी कि जेड को जो है इट्सेल्फ यानी खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, z into z, क्योंकि यहाँ पे इट्सेल्फ यानी कि खुद से मल्टीप्लाई करना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, z² क्या हो जाएगा, z का मल्टीप्लाइड बाई इट्सेल्फ इक्वल टू z² यह इसका क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। ये 1/4 तो एक पार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q ये इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन सेकेंड फाइंड किए हैं। तो 1/4 ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, तो ये हो जाएगा p एंड q का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 pq। क्या हो जाएगा इसका, 1/4 pq। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फर्स्ट का क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, इसका नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। क्या है, नंबर दे रखा है x एंड y, तो क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे
तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का स्क्वायर करेंगे, सॉरी वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करने का मतलब एक्स को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ से, खुद से, और वाई को भी खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पहला तो था कि दोनों को स्क्वायर करना है, और सेकेंड है दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फाइनली रूप से जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो समझ गए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन। फर्स्ट नंबर दे रखा है एम और सेकेंड नंबर दे रखा है एन, तो इसको क्या करा है, नंबर 5 फर्स्ट में 5 एडेड टू 3 टाइम्स, क्या है 5 को ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन, और एम और एन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम इंटू एन करते हैं तो क्या है आ जाएगा एम एन, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा एम और एन, लेकिन प्रोडक्ट कितने टाइम्स करना है 3 टाइम्स, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एम और एन को, तो इसका फाइनली रूप से जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस 3 एम एन, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 एम एन। ये कैसे आया, तो लैंग्वेज को सही से पढ़े उसके बाद इसको सॉल्व किए तो फाइनली रूप से ये आंसर निकल के आया। अब इसका क्वेश्चन 7 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड, क्या है फर्स्ट नंबर वाई और सेकेंड नंबर जेड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। क्या करना है कि वाई एंड जेड का, फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो गया कि वाई एंड जेड का प्रोडक्ट करना है, सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट तो इसका हो जाएगा एक्स और वाई, क्या आ जाएगा एक्स और वाई, सेकेंड क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स वाई। इसका फाइनली रूप से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस एक्स वाई, सॉरी वाई जेड है, एक्स वाई नहीं है वाई जेड है। इसका फाइनली रूप से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस वाई जेड। ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिख रखा था कि वाई जेड होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई जेड। इसी तरह से इसका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर्स ए एंड वी, क्या कह रहा है सम ऑफ नंबर्स ए एंड वी, यानी कि ए एंड वी को सम करना है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और इसके बाद जो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके प्रोडक्ट से, फर्स्ट में क्या कर लेंगे दोनों को सम कर लेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रोडक्ट इक्वल टू ए बी, समझ गए कि सम क्या है ए प्लस बी, और प्रोडक्ट आ गया ए इंटू बी यानी कि ए बी, सम ऑफ नंबर्स ए प्लस सॉरी ए एंड बी, तो फर्स्ट आ गया सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सेकेंड क्या है पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसके बाद जो इसका फाइनली रूप से होगा वो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में से सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो फाइनली रूप से आंसर बन के आएगा वो हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी, तो इसको तो फाइनली रूप से इसका आंसर क्या बन गया है
ए बी माइनस ए प्लस बी। तो ये था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इसको समझने में कोई भी समस्या हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस तरह से अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल द ब्यूटीफुल माइंड को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ। ओके बाय।